नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस वीडियो को देखा, इस वीडियो को दोस्तों बनाने के लिए एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके इस वाले वीडियो को भेजा था। तो आप भी अगर कुछ इस तरह का यूनिक कंटेंट का दोस्तों एडिटिंग या फिर स्टेटस के ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हो, तो गाइस आप मेरे इस वाले इंस्टाग्राम आईडी पे गाइस मुझे उस वाले वीडियो को भेज दीजिएगा। या फिर गाइस आपको क्या करना है पता है, आप इस वाले वीडियो के कमेंट में भी जाके दोस्तों आप बताइएगा कि आपको कौन से वीडियो का आपको स्टेटस का आपको ट्यूटोरियल देखना है। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ मज़ेदार है, तो वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो आपको इस वाले वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहाँ पे ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि गाइस मैं कुछ इस तरह का स्टेटस के ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करूँगा तो उसके नोटिफिकेशन दोस्तों आपको तुरंत से मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह का दोस्तों स्टेटस बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। आपको गाइस आपको अपने गैलरी में 5-6 फोटो को रख लेनी होगी, उसी की हेल्प से गाइस आप कुछ इस तरह का स्टेटस आप बना सकते हो। तो गाइस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यार इस तरह का स्टेटस बनाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए अभी आप अपने काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं जाकर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं अपने काइन मास्टर को यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ। अब आपको इस वाले प्लस के मार्क में क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको 1:1 एक्सपेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपका जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर ओपन कर लेनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको दोस्तों इस वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेनी होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद गाइस जो आपको राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस टेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करके कुछ इस तरह से गाइस आप यहाँ पे ये जो इमोजी मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। देख पा जिस तरह से मैं आपको दिखाया हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से ये जो इमोजी है आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर लेना होगा। अब हल्का सा इसको आप कुछ इस प्रकार से आप बड़ा कीजिएगा। बड़ा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसका ड्यूरेशन को ब्लैक कलर का जितना बैकग्राउंड का ड्यूरेशन है उतना ही फ्रेंड्स इसको आपको रखना है, बाकी का हिस्सा को दोस्तों आप यहाँ पे हटा लीजिएगा। हटा लेने के बाद दोस्तों आपको इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको जो इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस सबसे पहले आप गेट मोर में चले जाइएगा। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो ग्लिच दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आप सिनेमेटिक ग्लिच को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसको पहले ही डाउनलोड करके रखा है इसलिए मेरा यहाँ पर इंस्टॉल दिखा रहा है। तो गाइस आपको क्या करना, ये जो इफेक्ट है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करनी होगी कुछ इस तरह से और कुछ इस प्रकार से गाइस इसको आपको हल्का सा आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी होगी। सेटिंग में क्लिक करना है कुछ इस तरह से गाइस इसको आपको घटा बढ़ा के इसको आप यहाँ पे अच्छे से आप इसको एडजस्ट कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। देख पा जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से कर लीजिएगा और इसका भी ड्यूरेशन को दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक रखना है, बाकी का हिस्सा को फ्रेंड्स आपको यहाँ से कुछ इस तरह सीजर की हेल्प से आप हटा लीजिएगा। हटा लेने के बाद दोस्तों आपका जो वीडियो का आगे का हिस्सा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब आपको राइट साइड के मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अभी गाइस आपका जो फर्स्ट फोटो है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे जो फर्स्ट फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। इस तरह से गाइस आप जितने सारी फोटो का दोस्तों स्टेटस बनाना चाहते हो उन सारी फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर एक एक करके अभी सिलेक्शन करनी होगी। मैं गाइस ये जो फोटो सिलेक्शन का काम है यहाँ पर थोड़ा जल्दी से करके वीडियो को थोड़ा दोस्तों स्किप कर देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैं यहाँ पर सारे फोटो को सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको अपने वीडियो में इस जगह पे आपको आना होगा। इस जगह पे आने के बाद गाइस आपको जो प्लस का मार्क दिख रहा होगा यानी ट्रांजेक्शन का, आपको दोस्तों इसमें क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप गेट मोर में चले जाइएगा। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर देख पा रहे हो मैं आपको जो दिखाऊंगा उस वाले इफेक्ट को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। कहाँ गया दोस्तों, उसको मुझे ढूंढने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है, रुकिए। तो गाइस आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको गाइस इस वाले एक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको सेक इट का और जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको दोस्तों इस वाले इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। मैंने इसको पहले डाउनलोड करके रखा इसलिए मेरा यहाँ पर इंस्टॉल दिखा रहा है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको उस वाले इफेक्ट को अभी आपको सिलेक्शन करनी होगी और कुछ इस तरह से गाइस आप यहाँ पर एक नंबर पर आप सिलेक्शन कीजिएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक सेकंड के लिए आपको कर देना है। इस तरह से गाइस जितने सारे आपके ट्रांजेक्शन के जगह हैं उन सारे जगह को दोस्तों आपको यहाँ पर एक एक करके आपको एडजस्ट कर देनी होगी।
देख पा रहे हैं जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम कुछ इस तरह से आप इतने सारे जगह को दोस्तों आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे जितने सारे मेरे ट्रांजेक्शन के जगह है उन सारे जगहों पर दोस्तों मैंने यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों आपका जो फर्स्ट फोटो है उसमें आप क्लिक कीजिएगा और कुछ इस तरह से गाइस इसका ड्यूरेशन को आपको घटा देना है। इस तरह से गाइस आपको जितने सारे ट्रांजेक्शन के जगह हैं उन सारे जगह को दोस्तों आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है और इस जगह इस तरह से गाइस आपको अपनी फोटो का ड्यूरेशन को आपको घटा देनी होगी। देख पा जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से घटा दीजिएगा। घटा देने के बाद दोस्तों अभी आपको क्या करना है, जो इतना दूर फ्रेंड्स आपको जो ब्लैक स्क्रीन बना इतना दूर फ्रेंड्स आपको आना है और बाकी का जो ये हिस्सा है इसको फ्रेंड्स आप कुछ इस तरह से आप यहाँ पे हटा दीजिएगा। देख पा जिस तरह से मैं आपको हटा कर दिखा रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से हटा लीजिएगा। हटा लेने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद गाइस आप इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा जहाँ पर गाइस मैंने एक इफेक्ट वाले वीडियो का लिंक देके रखा है। आपको दोस्तों उस वाले इफेक्ट वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना है और गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मीडिया का दिख रहा होगा आपको इस वाले मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से गाइस आपको उस वाले इफेक्ट वाले वीडियो को सिलेक्शन कर लेनी है। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे जो इफेक्ट वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में करना होगा और गाइस ब्लैक स्क्रीन को रिमूव करने के लिए जो आपको राइट साइड के लास्ट में ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा देख पा रहे हो आपको इसमें क्लिक करके आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप सिलेक्शन कर दीजिएगा। अब गाइस लास्ट आपको लेयर में क्लिक करना है मीडिया पे सिलेक्शन करके। अभी गाइस आपको जो बॉर्डर का पीएनजी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दोस्तों आप डाउनलोड किए होंगे उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करनी होगी और इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कर देना है और इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक कर देना होगा। कर देने के बाद दोस्तों फिर से आप इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा जहाँ पर गाइस मैंने इस वाले वीडियो का जो ऑडियो है उसको देके रखा है। आपको दोस्तों उस वाले ऑडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना होगा और यहाँ से गाइस आपको उस वाले ऑडियो को आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे जो ऑडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब अगर अपना वीडियो को शुरू से अगर आप प्ले करके आप देखोगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा देख पा रहे हो। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो आपको इस वाले वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख ही रहा होगा, आपको उसके साथ जो मर्जी हो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बिना किसी देरी के बाय बाय।